अज समराला हल्के दे विधायक जगतार सिंह दयालपुरा दे निवास स्थान ते पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा राइस मिलर्स नाल मीटिंग करन दे लई विशेष तौर उते पहुंचे। इस मीटिंग दे विच राइस मिलर्स एसोसिएशन दे नुमाइंदे पहुंचे। पंजाब विधानसभा कुलतार सिंह संधवा ने कहा है कि इस वक्त इस समय जो परेशानी राइस मिलर नु आ रही है उसका कारण केंद्र सरकार है, क्योंकि केंद्र सरकार नाल एक वर्ग नहीं होर भी वर्ग लड़ाई लड़ रही है। संधवा ने कहा है कि पिछले साल राइस मिलर वालों एफसीआई नु दिते गए चावल एफसीआई ने नहीं चुके, यही भी वड्डा कारण है। संधवा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सही समय उते सही काम नहीं किया, क्योंकि केंद्र सरकार पंजाब नु किसानां ते मजदूरां नु परेशान करना चाहती है। देखो पंजाब सरकार पंजाब दे मिलर पंजाब दे किसान पंजाब दे मजदूर एक मुठ ने, पर मैं एक गल तुहानू क्लीयर करना चाहुंदा कि ये जिहड़ा सारा क्राइसिस है ये जान बुझ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार वालों किया जा रहा है, क्योंकि पंजाब दे किसानां ने मजदूरां ने आड़तियां ने इकट्ठे होकर जिहड़े तीन काले कानून अडानिया अंबानिया की जिहड़ी उन्हां दे हथ सारे देश की खेतीबाड़ी नूं देण वास्ते जिहड़े व्यापार नूं देण वास्ते जिहड़ा साजिश की थी तीन काले कानून बनाए थे बीजेपी की सरकार ने, उन्हां कानूनां नूं वापस लैण वास्ते पंजाब दे लोकां ने मजबूर किया। सो ये एक साजिश है। तुसीं अक्तूबर च क्यों नहीं चके भी जिहड़ा इत्थे चौल पहला किया हो मिलर ने मिलिंग की हुई है, अक्तूबर च गड्डियां भेजनी चाहिए थी उन्होंने, हुण कह रहे असीं गड्डियां भेज देंगे। ये जान बुझ के साजिश है, ये बीजेपी की गंदी राजनीति है। इस तरह की कदे गंदी इन्नी गंदी राजनीति कदे भी किसी ने नहीं की थी, क्योंकि यह तो अन्न नाल संबंधित गल है। देश नूं अन्न देना, पंजाबियों ने हमेशा कुर्बानियां कीतियां, देश नूं आजाद कराया, अन्न दिता, हुण भी कुर्बानियां असीं करदे हां। ते पंजाबियों नाल बीजेपी वालों इन्नी गंदी राजनीति, सिर्फ अंबानी ते अडानी का बदला लैण वास्ते, तीन काले कानूनों का बदला लैण वास्ते। वो किसान जे तुसीं एडी गल सी भी असी नहीं चकने तो सानू चार महीने पहला दस दें, किसानों चार महीने पहला दस दे असी आपका कोई होर इंतजाम कर दे। सो जदों फसल पक के आके मंडिया दे विच आ गई आ ते तुसी उस समय सिर्फ ते सिर्फ राजनीति करने वास्ते बदला लैण वास्ते अंबानी अडानी का बदला लैण वास्ते, ये बीजेपी की गंदी राजनीति है। सो असी इस राजनीति नूं कामयाब नहीं होण देवांगे, असी सारे नाल है। मिलर ने भी भरोसा दवाया कि वह पंजाब के लोगों के नाल है, पंजाब सरकार के नाल है, अरविंद केजरीवाल जी के नाल है, पंजाब सरकार एक एक दाणा चक्कण लई असी नाल लगे हुए हैं लोगों के, असी दिन रात उन्हां दे नाल रहांगे। किसी तरह की मिलर्स नूं कोई प्रॉब्लम नहीं आउण देवांगे, किसी तरह की किसी टोले नूं प्रॉब्लम नहीं आउण देवांगे। ये राजनीति करके जिहड़े डिले होया इस चीज़ नूं असी ठीक करना, तुहाड़े सारां दा साथ लोड़ है, मीडिया का भी साथ लोड़ है, क्योंकि बीजेपी की गंदी राजनीति है। इस तरह की गंदी राजनीति कदे किसी ने की नहीं सी, आम लोगों तंग करने की राजनीति, पहला पॉलिटिशियनों तंग करते थे, हुण आम लोगों तंग कर रहे, किसानों तंग कर रहे, मजदूरों तंग कर रहे, गरीबों नूं तंग कर रहे, टोलियां नूं ट्रांसपोर्टरां नूं मिलर्स नूं उन्हां नूं तंग कर रहे हैं। ये गंदी राजनीति करके हो रहा है, बीजेपी की गंदी राजनीति है। तो इहनूं कामयाब नहीं होण दिता जाएगा, पंजाब सरकार पंजाब के लोगों के नाल खड़ी है। रुपिंदर सिंह बैनीपाल जी, अज साडे सारे शैलर मैंबरां नूं विधायक सरदार जगतार सिंह दयालपुरा साहब ने अपने इत्थे गृह विखे बुलाया सी, जिथे कि संधवा साहब दे स्पीकर साहब आए सी। उन्होंने सारे शैलर वालों को विश्वास दवाया कि थोड़ी जिहड़ी मंगां पिछे अधूरियां ने जां होर ने सरकार थोड़े नाल खड़ूगी, तो तुसीं अपना जिहड़ा काम शुरू करो, तो कोई साढ़े जिहड़े चक्के बी आर एल होए ने उन्हां दा कोई सिक्योरिटी दा होर मंगां सीगियां वह भी उन्होंने कहा शाम तक प्रवान कर लिया जाएगी। तो सारे शैलर मालकों ने इस बारे विश्वास दवाया, तो असं आस करते हैं कि सरकार इंडस्ट्री के नाल खड़ूगी तो कम सुचारू ढंग चल पेगा।